कुरुक्षेत्र जिले के भोर सैदा गांव में आज किसान मेले का आयोजन किया गया। पराली प्रबंधन पर हुए इस मेले में प्रदेश के लगभग 300 किसानों ने हिस्सा लिया। मेले में मुख्य अतिथि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बीआर कंबोज ने कहा कि पराली जलाने से जमीन के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और प्रदूषण भी बढ़ता है, जिससे लोगों की सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, हमारी सरकार, हमारा कृषि विभाग, हमारा विश्वविद्यालय और आप सब लोगों के लिए आज ये समय आ चुका है कि हम सब लोग मिलकर ये जो जलाने की प्रथा है पुराल को, ये हमें बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी पीढ़ियों के लिए चिंता का विषय है, हमारे राज्य के लिए चिंता का विषय है, हमारे स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है और राष्ट्र का विकास भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने सभी के सहयोग से इस कार्यक्रम को शुरू किया है। कृषि विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा निदेशक ने कहा कि किसानों के रुझान को देखते हुए हम प्रदेश के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में किसान मेले आयोजित करने की योजना बना रहे हैं, ताकि किसान पराली न जलाने के प्रति जागरूक हों। इसमें ये है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम होता है, हमारी तो योजना है कि सभी केवीके में हम जो राइस धान का क्षेत्र है उनमें एक किसान मेला करें। उसके साथ ही और भी करने जा रहे हैं कि कॉलेज लेवल पे हम जागरूकता अभियान करें, स्कूल लेवल भी करें, गांव लेवल, वो इसके छोटे पार्ट है, लेकिन सबसे बड़ा पार्ट है किसान मेले का, जिसमें हमें 300+ में फार्मर का हमारा मेले में आए किसानों ने कहा कि वो अपने खेतों में पराली जलाने की बजाय उसे आधुनिक कृषि यंत्रों से इकट्ठा करके उसका सही इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इस मेले के माध्यम से अन्य किसानों को भी पराली न जलाने और इसके सदुपयोग के प्रति जानकारी प्राप्त होगी। लगते रहने चाहिए ने कि जो फार्मरों बड़ा कोई सीखने को मिलता है। सर नए नए यंत्र देखे हैं, माहिरों की बातें सुनी हैं जी, बहुत कुछ ज्ञान आता है ऐसे मेलों से। होने यहाँ अपने डॉक्टर बीआर कंबोज जी आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी सलाह दी है फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। फसल अवशेष प्रबंधन के ऊपर काम कर रहे हैं और तकरीबन जो हमारा फसल जब हमारी धान